वो है कि जो ख्वाहिशात के साए में जीती है, परवान चढ़ती है, बढ़ती है, वो बहाइम है। और एक मखलूक वो है कि जिनकी तस्बीह, जिक्र, सजदा और क़याम ही गज़ा है। और ये तीसरी मखलूक हज़रत इंसान है कि अब ये इस दोराहे पे खड़ी है, चाहे लुढ़क के इधर चली जाए, चाहे परवाज़ करे तो फरिश्तों से भी आगे गुजर जाए। अब ये इसका इख्तियार है। हज़रत इंसान अल्लाह की तख्लीक का शाहकार है, तो वो लुढ़क के चौपायों जैसे काम करे, तो फिर चौपाया तो वो हुआ ही हुआ, लेकिन फरमाया बल हम अदल, बल्कि चौपायों से भी गुजर गया है। इसलिए कि चौपाए के पास तो था ही वो जो उसने किया, और इसके पास चरागे इल्म भी था, जगमगाती राहें भी थी, जन्नत के रास्ते भी थे। ये आसमान की तरफ परवाज करने की बजाय ज़मीन की तरफ लुढ़क गया, तो ये चौपाइयों से भी बदतर है। और अगर ये दूसरा रास्ता जो कहकशाओं से भरा हुआ रास्ता है, नूर व निखत से सजा हुआ रास्ता है, उस खैर की राह पे गामजन होता है, तो फिर फरिश्ते भी इसकी किस्मत पे रश करते हैं, फिर फरिश्तों से भी आगे गुजर जाता है। ये अल्लाह ताला ने हर तरह से राहें इसके लिए उजाल दी, फितरतन भी, और अंबिया और रुसल के जरिए भी, कुतुब के जरिए भी, सहीफों के जरिए भी, मुस्लिहीन के जरिए से, अक्ल व फहम जो दिया गया उसके जरिए से। यदि इंसान के लिए कोई शक वाली बात नहीं कि उसे पता ना हो कि ये रास्ता खैर का है और ये रास्ता शर का है, ये उसको अच्छी तरह आगही दी गई। जब कोई चोरी करने लगता है, दीवार फलांगता है, उसका दिल धड़कता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग होती है कि तो गलत काम करने जा रहा है। जब कोई डाका मारने लगता है, नाका लगा किसी को रोकता है, तो उसका दिल डरता है कि तू जुर्म कर रहा है। जब बदकारी को करने लगता है, तो उसका दिल डोलता है कि तुम गलत काम करने जा रहे हो। जब कोई किसी को कत्ल करने लगता है, तो जब वो मकतूल पे हमलावर होता है, तो दिल डोलता है कि तुम गलत कर रहे हो। हत्ता कि दीवार रखते हुए हमसाए के 2 इंच भी दबाने लगे, तो दिल डोलता है कि तुम गलत कर रहे हो। ये जो तेज तेज दिल धड़कने लगता है गुनाह करते हुए, तो ये अल्लाह की तरफ से उसे बताया जा रहा होता है कि तुम गलत कर रहे हो। हुजूर से पूछा गया कि ईमान क्या है, फरमाया जब नेकी तुझे खुश कर दे और गुनाह तुझे दुखी कर दे, फांता मोमिन, तो तू मोमिन है। तो किसी को पूछने की बजाय अपने अंदर से फतवा लिया जाता है, अंदर ही बताता है कि अच्छाई क्या है, अंदर ही बताता है कि बुराई क्या है। अब वो किस राह पे चलेगा? मेरे हुजूर ने फरमाया जन्नत का रास्ता मुश्किल और कठिन है, और जो जहन्नुम का रास्ता है वो आसान और आरास्ता, शहवात से सजा हुआ रास्ता है। अब तुम्हें पता है कि अंजाम क्या है, और तुम्हें इख्तियार दिया गया है। बाज़ लोग इख्तियार को अल्लाह की रजा समझ लेते हैं, तो ये बात जानिए कि अल्लाह की रजा में और उसकी मशीयत में बड़ा फ़र्क है। बाज़ लोगों की रस्सी अल्लाह ने दराज की होती है, तो लोग कहते हैं अल्लाह राज़ी नहीं है, तो ऐसा क्यों है, ये कौन सी कहानी हुई। ज़ालिम जाबिर लोग तख्तों पर बैठ जाते हैं, मुख्तलिफ़ हुकूमतें संभाल लेते हैं, और खल्के खुदा की नाक में दम कर देते हैं, लोग कहते हैं अल्लाह राज़ी नहीं है, तो ऐसा क्यों है, ये कौन सी बात हुई। तो ये हमारा एक खुद साख्ता कहा हुआ जुमला है। हकीकत में क्या है कि अल्लाह की रजा और है, अल्लाह की मशीयत और है। ये अल्लाह ने हाथ दिए हैं, अल्लाह की रजा ये है कि इन हाथों से अच्छे काम किए जाएं। आंखें दी हैं तो इन आंखों से कुरान मजीद की तिलावत की जाए, अल्लाह की कुदरत की निशानियां देखी जाएं। लेकिन इन आंखों को शहवात से भर दिया जाए, इन हाथों को जुल्म से भर दिया जाए, तो अल्लाह रोकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि बंदा गाली देने लगे तो जुबान टेढ़ी हो जाए, ऐसा नहीं है कि बुरी नज़र से आंखों की बिनाई कमज़ोर हो जाए, ऐसा नहीं है थप्पड़ मारने लगे तो हाथ रुक जाए, ऐसा नहीं है कि वो मैखाने की जानब चलने लगे तो पाँव की उंगलियां टेढ़ी हो जाएं, चला ना जाए, ऐसा नहीं है। ये अल्लाह की मशीयत है, उसने कदमों में ताकत रख दी, जिधर जाना चाहे जाए, उसने इख्तियार भी दिया है। लेकिन ये उसका दिया गया इख्तियार है, ये उसकी मशीयत है, लेकिन उसकी रजा ये है कि ये कदम उठे तो मस्जिद की जानब जाए, ये कदम उठे तो दुखिए की मदद के लिए जाए, रिज़्क़े हलाल कमाने निकले, ये जुबान बोले तो कुरान की तिलावत करे, ये लब खुले तो अहादीस रसूल के नगमे हों, खैर खाही के कलेमात हों, मखलूक खुदा की बेहतरी की बात हो। लेकिन अगर कोई गाली गलोच देने लग जाए तो उससे अल्लाह की रजा नहीं, अल्लाह ने आज़ा बना दिए, और अल्लाह ने इंसान को खैर और शर की तमीज़ दे दी, अच्छाई और बुराई का पता दे दिया। अब उसकी मर्ज़ी है कि वो किधर निकलता है।